गाइस, इस वीडियो में बात करने वाली हूँ थायराइड बॉडी टाइप की। थायराइड बॉडी टाइप होता क्या है? थायराइड बॉडी टाइप यूजुअली वो बॉडी टाइप है जिसमें आपका जो थायराइड ग्लैंड है आपके नेक के नीचे जो सिचुएटेड होता है वो अंडर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपका थायराइड बॉडी टाइप डेवलप होता है। अब थायराइड बॉडी टाइप में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? थायराइड बॉडी टाइप बहुत कॉमन है फीमेल्स में, और एक यूजुअली देखा गया है कि ओवरऑल पैटर्न में वेट गेन होता है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है जहां आप देखेंगे वेट गेन, लेग्स, आर्म्स, बेली, चेस्ट, हर जगह मिलेगा। और जो बॉडी का शेप होता है वो रेक्टेंगुलर शेप होता है, मतलब शोल्डर से लेके नी से और हिप तक आपका हर जगह रेगुलर वेट गेन होता है। और यूजुअली देखा गया है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिव नहीं होता है, और आपका T3 और T4 इनफैक्ट TSH लेवल भी ड्रॉप हो जाता है। इस केस में देखा गया है कि अगर आपको हाइपोथायरॉयड है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको PCOD भी हो सकता है, क्योंकि हाइपोथायरॉयड और PCOD के बीच में हॉर्मोन्स जो एक्ट करते हैं, जो हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। हाइपोथायरॉयड के केस में आपको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? जैसे आपका ओवरऑल वेट गेन होगा, आपको सोने में डिफिकल्टी होगी, आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग है, आपका फेस पफी हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, मसल वीकनेस भी होगी, पूरे दिन लेजी लेथार्जिक फील करेंगे, एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा लो होंगे, और हो सकता है आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन भी हो। सो अगर आपका थायराइड बॉडी टाइप है तो आपको क्या करना चाहिए? एक तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि आयोडीन रिच डाइट लें थायराइड फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। साथ ही साथ क्योंकि थायराइड इंपैक्टेड है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, तो आपको ऐसा फूड खाना चाहिए जैसे हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप रोस्टेड सी वीड लीजिए, जो कि एक्सट्रीमली गुड रहेगा आपके लिए, और आप फिश और सी फूड भी ले सकते हैं। साथ में आप अगर वेजिटेरियन हैं तो मेक श्योर कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड कीजिए, एग्स एंड नट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, और आयोडाइज सॉल्ट्स डेफिनेटली। थायराइड अगर बॉडी टाइप और हाइपोथायराइड कंडीशन है आपको, तो कोशिश कीजिए कि एक मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कीजिए, इंक्लूड कीजिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट, बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट से आपका मेटाबॉलिज्म ऊपर जाएगा, जो कि कॉम्प्रोमाइज हो जाता है हाइपोथायराइड के केस में, क्योंकि थायराइड ग्लैंड प्राइमरीली मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ना भूलें, और बेल आइकॉन जरूर हिट कीजिए।